वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल इमरान्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मन की बात लेके आया हूँ। आज इस मन की बात में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जीवन में वही हारते हैं जो आप हमेशा जीतना पसंद करते हैं। हमारी जीत ही हमारी हार का कारण बनती है, क्योंकि आप अपनी जीत के लिए जितने अटैच होंगे और फिर उसको जब ना नहीं पा सकेंगे अपने जीवन में, तब आपके अंदर उस हार का दर्द कुछ इस तरह बढ़ जाएगा कि वो आपको जीने नहीं देगा। वो बहुत एक पेनफुल एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए, जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। दोस्तों, इंसान क्या जीतना चाहता है अपने जीवन में और किसे हराना चाहता है? जहाँ तक मेरी परिभाषा है जीत और हार की, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपसे, हो सके तो कनेक्ट कीजिएगा। दोस्तों, क्या एक माँ कभी भी अपने बच्चे से जीतना पसंद करेगी? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। वो हमेशा हारना ही पसंद करेगी, क्योंकि उसकी हार में ही उसकी जीत छुपी है। क्या कोई पिता अपने बच्चे से जीतना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं, वो सदैव उससे हारना पसंद करेगा। दोस्तों, या आप जिससे प्यार करते हैं, क्या कभी आप उसको हराना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी खुशी, उसकी जीत ही सबसे बड़ा आपके लिए उपलब्धि है। वो आपका रिवॉर्ड है, अवार्ड है। तो जीत की परिभाषा बहुत अलग है। कभी कभी हमें हार में भी वो जीत मिल जाती है जो जीत कर भी हम नहीं पा सकते। दोस्तों, और यही कॉन्सेप्ट आज मैं अपनी मन की बात में आपको बताना चाहता हूँ कि हार और जीत कुछ नहीं है, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है। और जिस तरह से आपका स्टेट ऑफ माइंड उस इमोशन से अटैच होगा, उसी तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा, या उसी तरह का रिएक्शन आप महसूस करेंगे अपने अंदर। हार और जीत सिर्फ एक शब्द है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, हम जिसे भी प्यार करते हैं उसे हमेशा जिताना ही पसंद करेंगे, उसे कभी हराना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी खुशी ही हमारी खुशी होती है। उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते अपनी लाइफ में। लेकिन आज की दुनिया कुछ इस तरह की हो गई है दोस्तों, जहाँ पर हार और जीत एक पैरामीटर हो गया है रिश्तों में अपने आप को तोलने का। एक रेस है, सब भाग रहे हैं, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है। और जब आप उस फर्स्ट जगह को अचीव कर लेते हैं, तो आपको बड़ा गर्व महसूस होता है, अरे मैं जीत गया, मैं जीत गया। चाहे आपके साथ उस समय कोई खड़ा ना हो, चाहे आप अकेले हों उस समय। तो जीत और हार क्या होती है? जीत और हार कुछ नहीं होती मेरे दोस्तों जीवन में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने जीवन में सब कुछ हार चुके हैं और आप बड़े मायूस हैं कि ये मेरे जीवन का अंत है, तो सिर्फ ये आपका दृष्टिकोण है। क्योंकि जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आप उसे ही देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया वहीं तक है। उसके आगे भी गैलेक्सी है, उसके आगे भी एक दुनिया है जिसको ईश्वर ने रचा है। ये सिर्फ आपकी दृष्टि है जो आपको वहीं तक दिखा रही है जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, तो अपने आप को हार और जीत में कभी ना तोलें दोस्तों, और कभी भी रिश्तों में हार और जीत के साइकोलॉजी के साथ किसी रिश्ते को ना जिएं। दोस्तों, जहाँ दिल की बात होती, जहाँ रिश्तों की बात होती, जहाँ अपनेपन की बात होती, जहाँ प्रेम की बात होती है, वहाँ पर हार और जीत क्या मायने रखती है? दोस्तों, कुछ भी मायने नहीं रखती। तो थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाइए दोस्तों। ये जो बंधन हमने बना के रखे हैं, या जो हमने अपनी सोच को एक सीमित दायरे में बांध दिया है, उससे हमें थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, और इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि वाकई में हम कैसी ज़िंदगी अपने लिए चाहते हैं। अगर आप जीत भी गए और उस जीतने के बाद में अगर आपके पास कोई नहीं है उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, तो उस जीत का क्या महत्व है? और अगर आप हार भी गए, लेकिन उस हार में भी आपको 100 लोग आपके साथ में हैं, तो वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपका, वही सबसे बड़ी जीत है आपकी। हर हार में एक जीत छुपी रहती है और हर जीत में एक हार छुपी होती है। दोस्तों, इसलिए मैंने जैसे कहा कि आप वही हार सकते हैं अपने जीवन में जिसे आप जीतना चाहते हैं। तो एक बार ये हार और जीत की जो पैरामीटर्स हैं या जो सोच है, उससे अगर हम ऊपर उठेंगे,
तो सिर्फ हमें पाना ही पाना लिखा है और खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहता। एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप किसी रिश्ते में हैं या आप किससे बहुत प्यार करते हैं तो उस रिश्ते में थोड़ा सा दूसरे को जिताने का प्रयास करें, उसे हराना का प्रयास ना करें। आप एक बार थोड़ा दे के देखें, अगर आप कुछ देंगे अंतरात्मा से, अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पित कर देंगे उस रिश्ते के प्रति, और अगर उसको आप जिताना चाहेंगे तो प्रकृति आपकी गोद को कभी खाली नहीं रखेगी, आपको भी वो सब कुछ मिलेगा जो आप किसी और को दे रहे हैं बदले में। एक बार उस देने की चाह में आ जाइए आप, एक बार होल हार्टेडली अंतरात्मा से अपने आप को उस रिश्ते के प्रति या उस इंसान के प्रति या उस प्रेम के प्रति एक बार समर्पित कीजिए, एक बार डेडिकेट कीजिए, और उसके बाद में देखिए कि आपका जीवन कैसा बदलता है। एक बार उस अहंकार के पर्दे को अपनी आंखों से हटाइए, अपनी आत्मा के ऊपर से उठाइए और अपने मन से पूछिए, क्या मैं जीता हूँ या मैं हारा हूँ? तो आपका मन एक ही जवाब देगा, ना तो तू जीता है ना तू हारा है, तूने तो बस दिया है, और जो तूने दिया है वो बदले में तेरे पास वापस आएगा। सिर्फ सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण ही एक बुनियाद है हमारी ज़िंदगी की। अगर उस बुनियाद को पकड़ के हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो शायद आज जो स्थितियां हैं उस स्थितियों में कुछ बदलाव आ सकता है, या आज जो मन पे घाव है वो घाव मिट सकता है और उसके बदले कुछ नया सृजन हम अपने जीवन में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी मन की बात आपकी मन की बात से मिली होगी, और जो भी इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया है उसका एहसास आप में जागृत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को मेरे साथ देखने के लिए।